करेंगे कुछ और खबरों का। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मेरठ के हापुड़ रोड पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान जनसभा से पहले हमारे संवाददाता मनोवर चौहान ने ओवैसी के समर्थकों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि किस समीकरण के आधार पर वो यूपी में सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा ओवैसी के समर्थकों ने। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां जोरों शोरों से पार्टी जो है वो अपने प्रचार में लगी हुई है। जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पहले लोकदल और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से रैली की। हालांकि यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ रोड पर। यहां पर मजलिस की एक मीटिंग कह सकते हैं, जलसा या एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच चुके हैं और केवल असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। हालांकि देखा यह जा रहा है कि बीच बीच में यहां पर हंगामा हो जाता है, लोगों में झगड़ा हो जाता है। हालांकि इसको बनाने के लिए व्यवस्था को मंच के लोग लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में मैं यहाँ कुछ लोगों से भी बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि आखिर कितना उत्साह उनमें देखा जा रहा है। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद। शकील जी कहाँ से आए आप? मैं मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से। तो क्या प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर आज? मैं 2022 मिशन। क्या प्रोग्राम रखा गया आज? आज जो है ना पूरे मेरठ के लिए ओवैसी जी आ रहे हैं और अपनी जो है बात रखेंगे, उसके लिए जो है हम यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं आए हैं और ओवैसी जी के सुनने के लिए आए हैं। उनके साथ तहे दिल से हैं हम और नाम मेरा शकील अहमद है। ओवैसी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आपको क्या लगता है इससे आप जो मुस्लिम समाज है उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? हमारे बगैर सरकार भी नहीं बनने की ओवैसी के मिशन जो है 2022 का, मतलब इसके बगैर सरकार भी नहीं बनेगी। कैसे यूपी में कैसे नहीं बनेगी? 100 सीटों पे हमारे हैं, 100 सीटों पे आने के बाद में जो भी हमारी वो होगी तो इख्तदार में होंगे। 100 सीटें कैसे, कहाँ से आएंगे, कोई कहाँ से आंकड़ा है? 100 सीटों पे लड़ रहे हैं ओवैसी जी, 100 की 100 जीत जाएंगे। 100 के 100 नहीं जीतेंगे, कम से 80% तो जीतेंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस 80% जीतेंगे जी? कॉन्फिडेंट है। अच्छा, फिर 80 सीटों से कैसे सरकार बनेगी? 80 सीटों से ऐसे बनेगी जैसे आप समझ लो हरियाणा में 10 सीटों पे जो ना डिप्टी सीएम बने बैठे। तो क्या डिप्टी सीएम बनने की तैयारी है वो इस साहब की उत्तर प्रदेश? हाँ जी, 100 के साहब बनेंगे डिप्टी सीएम। अच्छा, किसके साथ गठबंधन करेंगे अगर 80 सीटें आती है जी? गठबंधन के साथ करने की तैयारी है? गठबंधन जिसे भी चाहेंगे वो ओवैसी जी। अगर भाजपा, सपोज करो भाजपा नहीं आ पाती है, भाजपा को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो क्या ओवैसी भाजपा के साथ चले जाएंगे डिप्टी सीएम बनने? नहीं, कभी नहीं। तो कैसे कह रहे हैं आपके ओवैसी के बिना नहीं बनेगी सरकार? ओवैसी जी के बगैर तो सरकार ही नहीं बनेगी। आप 4 करोड़ की आबादी भाजपा के साथ जा सकते हैं ऐसे तरीके से? 20-22% है। अगर भाजपा को कुछ सीटों की जरूरत पड़ी तो क्या भाजपा को सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, ओके नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। सपा बसपा पार्टी आपकी नहीं है, जो उनकी वोट है उन्हें कैसे काट देंगे? उनकी वोट है, जो उन्हें मिलेगी उनकी भी वोट कटेगी। कैसे जीतेंगे फिर? भाजपा पे जाएगी, सपा पे जाएगी, फिर कैसे जीत? बीएसपी पे जाएगी। अच्छा, मेरा सुनिए, मैं शहर सीट की बात करता हूँ मेरठ की। यहाँ पर 54% दलित और मुस्लिम है, ठीक है? अब ये बताइए 54% दलित मुस्लिम, बाकी जो है भाजपा के हैं, भाजपा का ही कब्जा है, सपा का कब्जा है। ये बताइए अगर शहर सीट पर 3 मुस्लिम और 1 गैर मुस्लिम आएगा तो कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे बताइए? और वो की भी तो वोट कटेंगी। किसकी कटेंगी? उसमें भाजपा की कटेंगी। कोई तो भाजपा कैसे कटेंगी? जो सपा पाएंगी, भाजपा की वोट सपा क्यों आएंगी? भाजपा जो हिंदू वोट भी तो कटेंगी ना। क्यों कटेंगी? कटेंगी, हिंदू वोट भी कटेंगी। आप कहाँ से आंकड़े लाए? अपने पास से लाए हैं। 54% पे 3 मुस्लिम है और 54% 3 मुस्लिम, 46% पे खाली हिंदू है, तो कैसे जीतेंगे? अभी वक्त है, चुनाव में एयरलाइंस होंगे। कोई बात नहीं, इनके आंकड़े अलग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी पचपेड़ा से आए, ज्ञानपुर से। अच्छा, पचपेड़ा ज्ञानपुर से आए हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हैं? स्कूल केएमसी कॉलेज में पढ़ते हैं सर। तो आप यहाँ क्या ओवैसी साहब को सुनने आए हैं? जी सुनने आए हैं, क्योंकि सभी अपनी पार्टियों को सुन रहे हैं। जो आप मुसलमानों के लिए जितना भी काम किया है, जो भी कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं मुसलमानों के हक में, वो ओवैसी साहब है सिर्फ, क्योंकि सपा है वो सिर्फ और सिर्फ
उसने आजम खां को देख लीजिए, आजम खां के बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। दानिश कहाँ से आए हैं आप? भैया मेरठ से ही है, केएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अच्छा, स्टूडेंट है आप, ओवैसी को सुनने आए? बिल्कुल, दीवानगी है ओवैसी साहब के लिए, इसलिए कॉलेज से एप्लीकेशन देकर जब यहाँ सुनने के लिए आई है उनकी रैली में। अच्छा, क्या क्या दीवानगी है, कहाँ तक, किस हद तक है, क्या आज उनकी स्पीच अच्छी लगती है? जो बैकवर्ड क्लास मुसलमान हिंदू हर धर्म को साथ लेकर चलते हैं, जो कुछलवा मुसलमान सबके लिए बोलते हैं, ये उनकी दीवानगी है बस। वो क्या अभी पार्लियामेंट में आजम खां के लिए उन्होंने स्पीच उठाई, कोई पार्लियामेंट में, लेकिन आजम खां के लिए कोई पार्लियामेंट में बोल रहा है अभी भी दो दिन पहले, तो सिर्फ ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया है। और कोई अखिलेश यादव कहाँ थे, राहुल गांधी कहाँ थे, कोई बोल रहा है उनके बारे में? सिर्फ ओवैसी साहब ही मुद्दा उठा रहे हैं उनका। क्यों क्यों ने वोट चाहिए ना और किसी को, इसलिए मुद्दा नहीं चाहिए। ये फैक्टर है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि भीड़ को दिखाने की कोशिश करें कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, और ये भीड़ जो पहुंच रही है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अगर ओवैसी की पार्टी के लोग मैदान में होंगे तो कहीं ना कहीं सपा बसपा के वोटों को काटने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश होगी, और उससे कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसको बेनिफिट की जगह उसको दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी की इस रैली से जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, उन पर किस तरीके का फर्क पड़ेगा। अपने सहयोगी अनमोल के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मिर। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर कानून बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की ओर से दिए गए अभद्र बयान को लेकर इन दिनों राजनीति गर्मा गई है। वहीं अब इस मामले में संभल में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और बीजेपी नेता विशाल चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता विशाल चौहान ने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को राक्षसी सोच वाले बताते हुए सपा सांसद को समाज के लिए खतरा बता दिया है। बीजेपी नेता ने सपा सांसद पर भड़कते हुए कहा कि सपा के सांसद महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझते हैं। उन्होंने कहा कि सपा के लोग महिलाओं को लेकर जब भी बात करते हैं गंदी बात ही कहते हैं। देखिए, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जब भी इस प्रकार के मुद्दों पर मुंह खोलते हैं हमेशा गंदा ही बोलते हैं। उनकी ये शुरू से आदत रही है, वो तालिबानी मानसिकता से ग्रसित हैं। उन्होंने जब भी महिलाओं के बारे में बोला है गंदा ही बोला है। एक महिला अगर 18 साल की उम्र में उसकी शादी ना होकर 22 साल की उम्र में शादी हो तो क्या वो आवारगी करने लगेगी? क्या उसके पास और काम नहीं है? क्या उसके पास शिक्षा का कार्य नहीं है? क्या उसके पास अपने घर के कार्य नहीं है? एक महिला अपने घर के कार्य करती है, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, घर संभालती है। लेकिन ये अफसोस है कि शफीकुर रहमान बर्क साहब की सोच राक्षसी सोच में तब्दील हो चुकी है। हाथरस में सदर कोतवाली क्षेत्र के सासनी गेट चौराहे के पास बाजार सड़क पर बाइक टकराने के बाद दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि इस दौरान सड़क पर मौजूद पुलिस के सामने ही ये दोनों युवक आपस में लड़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का बीच बचाव कराया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हाथरस का ये पूरा मामला है जहाँ पर दो युवकों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंची, बाइक टकराने की वजह से इन दोनों युवकों में इतनी जबरदस्त मारपीट हुई है जिसका नजारा वहां पर खड़े हुए लोग देखते रहे। हालांकि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बीच बचाव वहां पर किया।